हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 जुलाई तक पड़ा, पुलिस की सख्ती से मुंबई का ट्रैफिक जाम। मुंबई समेत समूचे महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए प्रदेश की उद्धव ठाकरे सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इधर कोरोना के बढ़ते दायरे को लेकर मुंबई में सोमवार को पुलिस का सख्त रवैया देखने को मिला। पुलिस में हाल के दिनों में तेजी से बढ़ रही लोगों की आवाजाही और बेखौफ विचरण को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। सोमवार को सवेरे से ही पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी कर यातायात पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते मुंबई की यातायात व्यवस्था ठप सी हो गई। पुलिस ने लोगों की बढ़ती आवाजाही को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर में ही पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था की सांस फूलने लगी। पश्चिम एक्सप्रेस हाईवे पर पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू की और पूरी मुंबई की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। पुलिस ने लोगों से आने जाने का कारण पूछा और जरूरी दस्तावेजों की पड़ताल करने की मुहिम शुरू की। दो पहिया वाहनों पर केवल एक सवारी तथा ऑटो में केवल दो ही यात्रियों की अनुमति के बावजूद हाल के दिनों में इन नियमों की खुलेआम अवहेलना देखी जा रही है। इसी के चलते सोमवार को पुलिस और यातायात पुलिस के जवान सड़क पर उतर आए। नतीजा ये हुआ कि पूरी मुंबई की ट्रैफिक व्यवस्था ने चंद घंटों में ही दम तोड़ दिया। लोगों को दहीसर चेकनाका पार करने में घंटों लग गए, कई किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई और हॉर्न की आवाज से पूरा हाईवे आज तिलमिला उठा। सोमवार दोपहर में मुख्यमंत्री की ओर से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाने की घोषणा के साथ ही पुलिस के तेवर और सख्त हो गए और पूरे दिन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें दिखी और लोग परेशान। जागरूक टीवी के लिए मुंबई से नीरज दवे की रिपोर्ट।